जय हिंद सबको। वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का वास्तुनिष्ठ झारखंड एमसीक्यू सीरीज का गढ़वा जिला आज करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का, तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। गढ़वा जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व हुआ? ए पलामू, बी लतेहार, सी देवघर, डी जामताड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पलामू। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। गढ़वा जिले की स्थापना कब हुई? ए 1992 ईस्वी, बी 1982 ईस्वी, सी 1991 ईस्वी, डी 1994 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी 1991 ईस्वी। आप लोग डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1991। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। साथ साथ हम लोग याद रखेंगे 1991 ईस्वी में झारखंड के 3 नए जिले बने थे, बोकारो, चतरा और गढ़वा। बोकारो हमारा 31 मार्च 1991 को, चतरा 29 मई 1991, ठीक है, और गढ़वा को तो बता ही दिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। गढ़वा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पलामू, बी गढ़वा, सी लातेहार, डी देवघर। क्या सही आंसर हो जाएगा बी गढ़वा। आगे बढ़ते हैं, गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना है? ए 3623 वर्ग किलोमीटर, बी 4044 वर्ग किलोमीटर, सी 296.4 वर्ग किलोमीटर, डी 3323 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 4044 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन। गढ़वा जिले में कितने अनुमंडल हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो सही आंसर हो जाएगा बी। B 3 होगा, ठीक है। जिला निर्माण के समय गढ़वा जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी थी? A 8, B 9, C 10, D 12। तो सही आंसर हो जाएगा A 8। सातवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान समय में गढ़वा जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? A 15, B 20, C 25, D 30। इसका सही आंसर हो जाएगा B 20। आठवां क्वेश्चन, गढ़वा जिले की कुल आबादी कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा A 13,22,784। नवा क्वेश्चन, गढ़वा जिले की साक्षरता दर कितनी है? A 66.35%, B 63.131%, C 74.636%, D 60.33%। इसका सही आंसर हो जाएगा D 60.33%। आगे बढ़ेंगे दसवां क्वेश्चन पे। गढ़वा जिले का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? A 525, B 323, C 329, D 469। इसका सही आंसर हो जाएगा B 323। ग्यारहवां क्वेश्चन, गढ़वा जिले का लिंगानुपात कितना है? A 935, B 922, C 898, D 934। इसका सही आंसर हो जाएगा A 935।
12वां क्वेश्चन, सोन नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? 12वां क्वेश्चन है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? ए देवघर, बी गिरिडीह, सी लातेहार, डी गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी गढ़वा। 13वां क्वेश्चन है, झारखंड में उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा जिला स्थित है? ए लातेहार, बी गढ़वा, सी गुमला, डी पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा बी गढ़वा। 14वां क्वेश्चन, कड़वा जिले के किस नगर का नाम बदलकर बंशीधर नगर रख दिया गया है? ए भंडरिया नगर, बी नगर उटारी, सी केतार नगर, डी कांडी नगर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नगर उटारी। 15वां क्वेश्चन, गढ़वा किस भाषा का शब्द है? ए तेलुगु, बी कोरवा, सी चेरो, सॉरी नीचे वाला ऑप्शन पढ़ दिए, ऊपर वाला ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मराठी। हम लोग याद रखेंगे, गढ़वा जिला मराठा लोगों के द्वारा बसाया गया है, ऐसा लिखा जाता है। आगे 16वां क्वेश्चन, गढ़वा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? ए उरांव, बी कोरवा, सी चेरो, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। उरांव, कोरवा, चेरो तीनों गढ़वा जिले में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रमुख जनजाति है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो तीनों राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? ए पलामू, बी लातेहार, सी गढ़वा, डी पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी गढ़वा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज का सेशन यही हम लोग खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।